सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और दिलचस्प बात यह जुनाते में अब ये कहा जा रहा है कि ये नौजवान हादसा के तौर पर मारा गया। भाई अगर ये हादसा के तौर पर मारा गया तो फिर इसके हाथ और पांव क्यों बांधे गए? हादसा के तौर पर एक गोली तो चल सकता है जनाब चेयरमैन, इस पर 8 गोलियां बरसाई गई। और शूमी बख्त, बलूचिस्तान में तो कोई हुकूमत नहीं है जनाब चेयरमैन, आप भी बखूबी जानते हैं। वो कहते हैं कि सोते को तो जगाओगे, जागते को कैसे जगा लोगे? बलूचिस्तान हुकूमत की सर यही कैफियत है, सूबाई काबीना से लेकर बुलंद मनसबों पर बैठने वाले अफसर तक सब जागने की हालात में भी सो रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करता हूं कि हयात बलोच के खानदान को इंसाफ मिलना चाहिए और जो एहलकार इस जुर्म में मुलविस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू सर। जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका।